बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पंजाबी में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आता है या कोई ऐसा बंदा नज़र आता था ना कि जो कि किसी खास काम को करने की सलाहियत नहीं रखता, तो पंजाबी में कहते थे इन्ना तिलों में तेल कोई नहीं, यानी इन तिलों में तेल नहीं है। तिल वो होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि खाने वाली चीज़ है, उसमें से तेल निकाला जाता है, और वो मिसाल ये है कि इन तिलों में तेल नहीं है। ऐसा ही कोई फैसला हुआ है, और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि चैंपियंस कप, जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की एक खसूसी काविश है कि 5 टीमों के दरमियान एक टूर्नामेंट होगा और उसमें जो परफॉर्मेंस देने वाले लोग होंगे अच्छी, उनको आप जो है वो कौमी टीम में लाएंगे। लेकिन इनके जो मेंटोर्स हैं, यानी कि वो कहते हैं ना, अगर किसी की सलाहियत को देखना है तो उसका उस्ताद देख लो कैसा है। अगर आपको कोई नई प्रोडक्ट देखनी है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि एक नया खिलाड़ी आप कह लें आ गया है, तो आपको नहीं पता कि वो कैसा खेलेगा, तो उस्ताद देख लो। एक स्टूडेंट जो है, एक तालिबे इल्म है, उसका उस्ताद देख लो कि उस्ताद कैसा है। अगर उस्ताद अच्छा है तो वो अच्छा खेलेगा, अगर उस्ताद अच्छा नहीं है तो फिर उम्मीदें ज़रा काम ही रखी जाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेंटोर्स हैं, इनका ऐलान किया गया है, और सबसे बड़े लेजेंड खिलाड़ी जो इसमें शामिल हुए हैं जनाब, वो हैं शुएब मलिक साहब, जिनके 20-25 साल कैरियर में अपनी टीम में जगह नहीं बनी, वो मेंटोर हैं। फिर हैं जनाब सरफराज अहमद साहब, जो कि मिनते तरले करते फिर रहे हैं कि मुझे जी बड़ी टीम में शामिल कर लें। अभी बैठे हुए हैं, उनकी जगह रिजवान खेल रहे हैं, तो अगर वो इतने ही काबिल हैं तो उन्हें टीम में क्यों नहीं खिलाते, कुछ समझ आती है किसी को। फिर हैं जनाब जी वकार यूनुस साहब, यार ये कितनी दफा ये बंदा हमारी तरफ से आया है बोर्ड में, क्या तीर मार लिए इसने, हद हो गई है यार। उसके बाद हैं जी मिसबा उल हक, सुकलैन मुश्ताक साहब, चले सुकलैन मुश्ताक साहब पे मैं बात नहीं करता हूँ, मिसबा उल हक साहब पे बात कर लेते हैं। ये लोग आपको सिखाएंगे, जिनकी अपनी जगह नहीं बनती थी टीम में। वकार यूनुस का आपको पता है करैक्टर क्या है उस बंदे का, ठीक है, तो आपके पास मतलब गिने चुने यही लोग बच गए हैं। कभी आप शाहिद अफरीदी को ले जाते हैं, जी ये हमारे कोच होने चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में होने चाहिए, ठीक है। मतलब देखें, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपके अगर मेंटोर्स ही हैं ना, तो फिर टूर्नामेंट का हाल क्या होगा, ये आप सोच लीजिएगा। ये हमें चूना दिया जा रहा है, फकी दी जा रही है, ये कुछ भी नहीं है। आप खैर इस हवाले से क्या राय रखते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को पसंद करें तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।